मेरा नाम सौम्य शर्मा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास मीडिया की इस खास पेशकश में हम आपको सुनाएंगे खुशियों के त्योहार की कहानी, कहानी क्रिसमस की। क्रिसमस ईसाई समुदाय का प्रमुख त्योहार है। खुशियों का यह त्योहार हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ईसाई धार्मिक मान्यता के अनुसार क्रिसमस के दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इस दिन उपहारों का आदान प्रदान किया जाता है, घरों में क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है, कई जगह झांकियां भी निकाली जाती हैं। मैं हूँ लाइबा और मैं सुनाऊंगी आज आपको इस पर्व के शुरू होने की कहानी। ईसाई मत अनुसार 360 ईस्वी के आसपास पहली बार रोम के एक चर्च में ईसा मसीह के जन्मदिन का समारोह किया गया, लेकिन इस समय जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन की तारीख को लेकर बहस जारी थी। इसके बाद चौथी शताब्दी में 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन घोषित किया गया। साल 1836 में अमेरिका में क्रिसमस डे को आधिकारिक रूप से मान्यता मिली और 25 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। मैं हूँ दीक्षा, मैं आपको बताऊंगी कैसे सेंट निकोलस बन गए सांता क्लॉज। सांता क्लॉज सेंट निकोलस का जन्म 340 ईस्वी में 6 दिसंबर को हुआ था। ईसाई मान्यता के अनुसार हर 25 दिसंबर की रात को सेंट निकोलस बच्चों के लिए उपहार लेकर आते थे। यही सेंट निकोलस बच्चों के लिए सांता क्लॉज बन गए। फिर आखिर में मैं बताऊंगा आपको क्रिसमस ट्री की कहानी। बने रहिए हमारे साथ और देखिए ये हमारी खास पेशकश। जीसस के जन्म के समय खुशी व्यक्त करने के लिए सभी देवताओं ने क्रिसमस ट्री को सजाया था। इसी मान्यता के अनुसार क्रिसमस के मौके पर लोग क्रिसमस ट्री को रंग बिरंगी लाइटों से सजाते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को खुशियों के त्योहार की कहानी, क्रिसमस की कहानी पसंद आई होगी। तो इस क्रिसमस खुश रहिए और खुशियां बांटिए। मैरी क्रिसमस।